करना है, ऐसे सब से दिखेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली। आज हम बात करेंगे फ्लावर के प्लांट के स्टैंड के बारे में, जो बालकनी में हमने लगाया है, किस तरीके से इसकी फिटिंग करें, क्या क्या हम इसके आस्ते फिटिंग के लिए यूज करें, ये सब चीज़ों के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल असम अली फैब्रिकेशन एंड ग्रे वर्क में आपका स्वागत है। हम इस चैनल पर अल्मोनियम, मेटल, UPVC और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो जो भी हमारे इस वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। देखिए, ये जो स्टैंड हमने लगाया है इसकी क्या वेट है, क्या इसकी प्राइस है और क्या कौन सा मटेरियल हम इसके लिए यूज़ करें, वो ऊपर आई बटन पे पुरानी वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी फिटिंग के बारे में, किस तरीके से हमने इसके फिट किया है, वो सब चीज़ों के बारे में। एल टाइप का ही एंगल का हम फ्रेम बना लिए, जो एसी आउटडोर जैसा फिट होता है ये भी वैसे फिट होगा। इसके ऊपर हमारा जो प्लांट का स्टैंड है, गमले का जो स्टैंड है वो हम फिट करेंगे। 1 इंच का एंगल है, हाइट इसकी 15 इंच और विड्थ भी 15 इंच, दोनों सेट 15-15 इंच है। इसका ये सेट 2 होल है, इसमें हम कीले मार के पहले इसको फिट कर देंगे। इसके ऊपर स्टैंड इस तरीके से ये फिट हो जाएगा। यहाँ पे दो साइड भी हम कीले मार के इसको वेल्डिंग कर देंगे। देखिए, चार ये एल टाइप के इसके अंदर आएंगे, इसके ऊपर हम हमारा स्टैंड बिठाएंगे। 2 फिट है, अभी 2 फिट होना है। ये हमारी बड़ी बालकनी है, 14 फिट लंबा नहीं, 18 इंच यहाँ से ये फिट हो गए, बाहर निकलेंगे 18 इंचेस इसकी विड्थ आएंगे और इसकी हाइट 15 इंच। देखिए, इस तरीके से वेल्डिंग हो जाएंगी इसके ऊपर, कीले जो मार रहे पूरे कीलों को इस तरीके से। प्लांट के लिए हमारा जो फ्लेम निकल रहा है 18 इंचेस बाहर आ रहा है और 12 इंचेस ही है। पहले हम इसको यहाँ फिटिंग करेंगे, उसके बाद जो प्लांट का स्टैंड है वो फिट करेंगे और इसको पूरा हम वेल्डिंग कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से पट्टी लगा के यहाँ पे कीले मार के हम इसको वेल्डिंग कर दिया। नीचे के साइड एंगल में हमारे होल था, उसमें हमने कीले मार के हर दो फिट पे एक एक कीला मार के इसको फिटिंग करे। 18 इंच इसकी विड्थ है। नीचे के साइड एल टाइप का हम इस तरीके से, जो आपका आउटडोर एसी जैसा फिट रहता वैसा ये एंगल का बना के इसमें 4 हम ये लगा दिए। ठीक है, 4 ये लगा के फिट कर दिए। इसके ऊपर आप आपका फ्लावर पॉट जो है, गमला जो रख जो भी है इसके लगे, 1 इंच की पट्टी है, ये पूरा प्लेन है, आपको इसके ऊपर भी रख सकते हैं या इसके ऊपर आप मार्बल डाल सकते हैं, जैसा भी आपको फिट करना है आपके हिसाब से आप इसको आराम से फिट कर ले सकते हैं। 14 फिट इसकी विड्थ है और 18 इंच ऐसा लंबा नहीं और हाइट इसकी 15 इंच। इसकी प्राइस और वेट क्या हुआ इसका और कौन सा रॉड हमने यूज़ किया, कौन सी पट्टी एंगल, वो सब ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। देखिए, इसके ऊपर आप 100 से 150 किलो रख सकते हैं, मैं इसके ऊपर ही ठहरे हुआ हूँ, आराम से आप 100 से 150 किलो इसके ऊपर डाल सकते हैं। प्लांट के इस स्टैंड के लिए ये छोटा 4 फिट का हमारा जो स्टैंड ये फिट हो गया, 1, 2, 3, 4 सेट इधर और ये नीचे के सेट 2। कीले हमने उससे मार दिए 4 सेट, ये सेट नीचे के सेट 2 और ये सेट 2 इस तरीके से। 15 इंच है इसकी जो चौड़ा में 15 इंच है और हाइट 15 इंच, छोटा 4 फिट का ये बालकनी का प्लांट के लिए स्टैंड जो बना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इसके ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।